बाबू बाय। ये बड़ा बाबू है। ये क्या है, ये क्या है? हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। गुड इवनिंग, राधे कृष्णा, जय माता दी। और हम लोग जा रहे हैं, आज बाबू कहाँ जा रहे हैं? गाइज, मेरे ब्लॉग लेट आ रहे हैं, मुझे बहुत पहले अपलोड कर देना चाहिए था, लेकिन आप लोग को पता है कि मैं अपलोड क्यों नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि हमने मम्मा से कहा ये पिक्चर ले लेते हैं और पूरे नवरात्र में हम आने की पूरी कोशिश करते थे। और ये वीडियो में सारी छोटी छोटी क्लिप मैंने ऐड किया है नवरात्र के 9वां दिन 8वां दिन 7वां भंडारा जब था, सारी चीज़ मैंने ऐड किया है। टाइम नहीं मिल पाया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और ये मैया रानी के सुंदर श्रृंगार पे नछावर है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये तो माँ के श्रृंगार की बात हो गई। जब मैं नवरात्रों में किसी भी मंच पर खड़ी होती हूँ गाने के लिए, इतने सारे देवी गीत, इतने सारे देवी पचरा, कान्हा के भजन, राम के भजन, क्या हुआ, इतने सारे गीत, पानी पीना है, कि आप सब चलो क्या सुनाऊं, क्या बचाऊं, क्योंकि समय कम होता है और बहुत सारे गीत सुनाने होते हैं, नजर नहीं हटेगी। आइए राम लला को याद करते हैं और उनको बुलाते हैं, और एक ऐसा भजन जो आप सब ने गाया, आप सब ने सुना। मिट जाएंगे मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे। पिछली बार, आज तो बहुत सारे नए लोग आए हैं, पिछली बार मैंने एक गौरा मैया का बड़ा सुंदर सा एक भजन सुनाया था। भजन क्या था, बड़ी सुंदर सी कहानी थी, आप सबको याद है? अगर आपको याद हो तो लगेगा कि वो सबको याद है, याद बाटे पूछेंगे तो भैया बताना पड़ेगा। एकदम से तो फेड़ गई, जैसे आप लोग अड़ती हैं भैया से कि अभी की करवा चौथ है, ये तो चाहिए। आपकी सारी बातें पेट भेजा तभी होगी जब करवा चौथ का आपके लिए गिफ्ट मिलेगा। ऐसे ही गौरा मैया भी, चूंकि है तो वो महिला ही ना, है तो स्त्री, स्त्री का भाव जाए। मुझको भी पढ़वा दो मेरे सामने सोने के गहने, मुझको भी पढ़वा दो मेरे सामने सोने के गहने, एक दिन मैया पार्वती भोले से लगी गहने। इसको लेके आ जाओगे? ठीक है।
यसी ने बहुत तंग किया आज, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। ठीक से बैठ भी नहीं पाए क्योंकि यहाँ बहुत तंग किया। अच्छा यसी ने आज बहुत तंग किया। पानी कितनी बार तो पानी पिया है, फिर इसके क्या खाया? मजा आया। यसी से बड़े बच्चे यसी को प्यार कर रहे हैं, बट यसी को अच्छा नहीं लग रहा है। यसी चेंज होती जा रही है, बच्चे प्यार करते होते हैं ना अपने छोटे से बच्चे को। यसी दादी से कह रही है मुझे गोदी ले लो गोदी। यसी बहुत तंग करती है इसलिए हम लोग कहीं जाते नहीं, क्योंकि वो गोदी ले कहती हैं और मैं नहीं ले पाती इतनी गोदी। दादी भी कुछ टाइम के लिए ले पाती हैं। आज फिर से दादी से जिद किया और खाने के लिए ले आती हैं, खाती नहीं है बस फैलाती हैं, उनको परेशान करना होता है। हम लोग ठीक से बैठ नहीं पाते हैं क्योंकि यहाँ पर डेली जिस वक्त को जगराता कराना होता है वो जगराता कराते हैं, किसी टीम को बुलाते हैं। और ये हमारी रेनू भाभी है, हाय बोल रही हैं। मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम है यहाँ पर नवरात्रि के में, क्या क्या होता है मुझे जानकारी कुछ हो गई है कुछ नहीं हुई है, लास्ट तक सारी जानकारी हो जाएगी कि अगली बार के लिए मैं भी तैयार रहूँगी। क्या क्या यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं लेकिन मैं इस बार पार्टिसिपेट नहीं कर पाई हूँ, अगली बार करूँगी क्योंकि माता के दरबार में। बच्चा भी छोटा है और बीमार भी है तो इसलिए सारी चीज़ें नहीं हो पाई, लेकिन मैंने कोशिश की है कि नीचे जाके माँ के दर्शन मैं डेली करूँ। और यसी मुझे चारों तरफ घुमा रही है कि मम्मा यहाँ चलो ये करो, क्योंकि बच्चे बैठते कहाँ हैं। हम लोग भी पूरा भंडार भरा हुआ है, सभी भक्तजन टाइम निकाल कर माता के भजन में आते हैं। यहाँ डेली जगराता होता है 9 दिन तक 10 दिन तक कह सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। और भी मुझे मम्मा बैठी हैं क्योंकि यसी मेरे पास है इसलिए, और यसी ये तो मुझे तंग करेंगी, ये तो दादी को तंग करेंगी, तो थोड़ी थोड़ी देर दादी ले लेती यसी को, थोड़ी देर मैं। और यहाँ पर यसी को हम छोड़ के आए हैं पापा के पास। हाँ मम्मा बैठे हैं सुकून से, लेकिन ज़्यादा देर नहीं बैठ पाएंगे, 10-15 मिनट ही बैठ पाएंगे क्योंकि दोनों बच्चे वो नहीं संभाल पाएंगे क्योंकि छोटा बच्चा है। हमको अच्छा खासा परेशान किया है, छका दिया है, तो उसको छोड़ के मम्मा को लेके अब जा रहे हैं। बहुत परेशान किया है, पेट अंदर नहीं जा रहा है, सब लुटोग पेट अंदर नहीं हो रहा। रात्रि का 9वां दिन है, आज डांडिया होगा, भंडारा छठवें दिन से कंटिन्यू चल रहा है। यसी और दादी आ रही हैं, आज डीजे की यहाँ व्यवस्था है। दिल्ली से आज यहाँ चेंज हो चुका है। इनकी 24 घंटे की ड्यूटी रहती है इनके। यसी बैठी है, सबसे छोटा बच्चा है। चॉकलेट की कहानियाँ खेलेंगे क्या? सुना सुना हो गया है क्योंकि माता रानी चली गई हैं और यहाँ पर ये लोग बातें कर रही हैं, क्योंकि बाकी लोग तो यहाँ पर ठीक है।
सब लोग खाना, आज भंडारा था तो खाना वाना खा के बच्चे से डांस कर रहे हैं। बाकी जय माता दी।